चाहिए ये मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम कंट्रीज को ना इत्तेफाकी फैलाने के लिए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जज्बात के आते मुझे याद है 2012 ऐसी कोई हादसा हुआ आधार कार्ड के अंदर जलसे हुए वहां पे बर्मा के ताल्लुक से और वहां पे सारे रजा अकेडमी ने जलसा दिया आधार मैदान में और बच्चे जज्बात में आकर के बाहर निकल के पुलिस की गाड़ियां उन्होंने लड़े वीरों से भी लोग भरते गए थे। हम तो कभी बताते नहीं है भाई इनको बोलना जरूरी इसलिए है कि यहाँ भी 10-12 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। वो अंदर थे वो कहां थे अंदर थे मगर ये बसेस कौन सी आई कहां से आई उसके अंदर जो बस में जाके ये बच्चे बैठे बस में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनको 10-12 दिन के बाद में हमने छुड़ा दिया उनकी गारंटी हमने ली हमने छुड़ा दिया। ऐसे कई हादसे किससे मैं आपको बता सकता हूं जो हम कभी जनरल पब्लिक में बोलते हैं। तो इस तरह का जब हादसा होता है एजुकेशन होते हैं उसमें कौन लोग घूम जाता है कोई पत्थरबाजी करता है कोई दुकान दवा देता है जो ऑर्गेनाइजर होते हैं जो बेचारे लिटरली सिंसियरली सुनने गए होते हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है और वो बेचारे परेशानी में आते हैं। अब नौजवान बच्चे जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं इनके ऊपर अगर केस बन जाएगा इनका पासपोर्ट नहीं बनेगा पुलिस क्लियरेंस नहीं होगा अगर पासपोर्ट भी नहीं बनाना है तो आपको हाउस कीपिंग सिक्योरिटी के लिए भी नौकरी के लिए कहीं जाना है मल्टीनेशनल में कहीं पे जाना है। एक तो मुसलमानों का ऐसी नौकरी नहीं मिलती एक तो मुसलमान बच्चे ऐसे ही काम करता है पढ़ाई लिखाई से बहुत पीछे रहते हैं तो इन बच्चों को हिंदुस्तान में भी नौकरियों की मुसीबत आ जाती है क्योंकि वो केसेस 2-5-10 साल तक के निकलते नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवान बच्चों को बच्चियों को ये जो बच्ची आई थी मेरे पास ये घटना पर मैंने इनको समझाया कहा बेटा आप कीजिए और दुआ मांगना है बैठ करके मांग सकते हैं इत्मीनान से मांग सकते हैं रास्तों पे जल से मत कीजिएगा। जो नौजवान भाई के बच्चे खड़े रहे आप लोगों से भी बेटा गुजारिश है कि जज्बात में मत आना ये फलिस्तीन की लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। नॉस्ट्राडामस का मालूम है आपको नॉस्ट्राडामस कौन था फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर था उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी वो आप जाकर के विकिपीडिया पे देख लीजिए उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी आज तक के वो सही निकली। नॉस्ट्राडामस ने कहा है उसके प्रेडिक्शंस में कहा है कि 2042 से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी और ये 30 साल तक चलेगी ईस्टर्न कंट्री में स्टार्ट होगा मिडिल ईस्ट में स्टार्ट होगा और आपके हमारे सामने है। तो ये जो आप बोलेंगे ये साथ का एस्ट्रोलॉजी का बता रहे हैं मैं आपको हिस्टोरिकल चीजें बता रहा हूँ किताबों के रेफरेंस से बातें बता रहा हूँ जो विकिपीडिया की चीजें अवेलेबल है गूगल पे अवेलेबल है उस तालू से मैं बता रहा हूं। तो ये चीज देखिएगा कि आप सिर्फ मीरा महेंद्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं मस्जिदों में ये रास्तों पे जो एजुकेशन होंगे इसमें पढ़िएगा नहीं दुआ मांगनी है 5 टाइम नमाज में दुआ मांगनी है घर में 24 घंटा बैठिए दुआ मांगनी है रमजान का महीना आएगा 300 रोजे रखिए हाथ उठा करके रो रो के दुआ मांगिए ना आप यहां से कोई रकम भेज सकते हो ना अनाज भेज सकते हो आप कुछ नहीं कर सकते उनकी मदद सिर्फ कौन करेगा वो रब्बुल आलमीन करेगा अल्लाह ताला करेगा। ये दुनिया की सियासत है ऑयल की सियासत है पैसे की सियासत है मार्केट की सियासत है जिसकी बड़ी आबादी है उसके बाद उनका माल बेचने की सियासत है ये मजहबी सियासत है और आपकी हमारी लड़ाई कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र है कि ये कंटा यहूदियों का और इस्लाम का ये तो चलता रहेगा ये खत्म नहीं हुआ। हजरत मैं सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं भाई साहब तो इसके लिए जज्बात में बताइए होश में रहिए होश में रहिए इसका बेहतरीन बेटा आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया तो बच्ची ने इतनी बेहतरीन पूरे पढ़ी हम सबके आंखें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया की पूरी उम्मत के जो अजाब आया हुआ है उसको बचाए आपकी हमारी दुआओं को कबूल फरमाए चाहे जिसका भी बच्चा हो हिंदू का हो ईसाई का हो यहूदी का हो मुसलमान का हो सिख का हो किसी का भी माँ बहने बच्चे बुजुर्ग सबकी हिफाजत अल्लाह ताला करे। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़।